हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ करना होगा। मानने की कोई जरूरत नहीं है। आज एक ऑडिशन में तुम नाकाम हो गए तो क्या हुआ? अभिनय सीखने के लिए अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अभिनय की बकरियां बारीकियां वो ऐसे आ रहे थे, बारीकियां सिखाएंगे, फिर देखना। छोड़िए ना पुष्पा जी, आप भी कहाँ, मतलब अच्छा गुरु कह के आप सिखा रही हैं, बताइए। अरे पहले से दर्द में है भाई, और कितना दर्द दीजिएगा इसको। अरे हाँ, दर्द से याद आया जीते, तुम्हारा दर्द कैसा है? कौन सा दर्द? गाड़ी में दर्द हुआ था ना तुम्हें, तुम उतर के डॉक्टर के पास चले गए थे, हम काली पहाड़ी जा रहे थे तब। हाँ, अभी थोड़ा आराम, डॉक्टर के पास गए, बोले कि भाई बहुत जोर का कमर दर्द है, हमको तो एकदम हमारा जान हलक में आ गया था, दवाई वही दिया, अभी एकदम ठीक है एकदम। कमर दर्द तो तुम्हारे पेट में था ना? मतलब पेट में ही दर्द था, उसके बाद से पेट से होते होते पीठ में गया, उसके बाद से कमर में। एक मिनट जीते, झूठ बोला ना तुमने हमसे, बहाना बनाया ना ड्यूटी से बचने के लिए। जीते क्या हो गया है तुम्हें? उस मारपीट के एक हादसे ने तुम्हें इतना बदल कर रख दिया। तुम्हारा तुम्हारे ड्यूटी के लिए, तुम्हारी वर्दी के लिए समर्पण, प्रेम, आदर, सम्मान सब छीन लिया तुमसे। जीते रोजाना हजारों पुलिस कर्मियों के साथ ऐसे हादसे होते हैं, तो क्या सब अपनी वर्दी का सम्मान भूल जाए, अपना फर्ज भूल जाए, अपनी वो कसम भी भूल जाए जो इस वर्दी को पहनते हुए हम सब लेते हैं, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना फर्ज नहीं भूलेंगे, हमारी ड्यूटी करेंगे, मरते दम तक निभाएंगे उसे। ऐसे मत कर, अपने व्यक्तिगत अपमान का बदला अपनी वर्दी से मत ले। मैडम सर आइए क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। कहाँ? नहीं वो तो नहीं आई, क्यों? ब्रिजेश नाम के आदमी को हम पकड़ने गए थे गोमती नगर फैक्ट्री में, जिसके पास चिंगारी गैंग के खिलाफ इन्फॉर्मेशन थी, और जैसे ही वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे किसी ने हमला कर दिया गैस का, हम बेहोश हो गए। और जैसे ही हम होश में आए तो मैडम सर वहाँ थी नहीं, सिर्फ उनका फोन मिला हमको, गायब हो गई है वो। मैडम सर गायब थी, मगर इस ब्रिजेश से सबूत लाने तो हम गए थे, मैडम सर ने हमें भेजा था, हम तीनों को। कहाँ? हाँ पूछो इनसे, ये भी साथ में थे हमारे। ये सब कहाँ चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिजेश नाम का आदमी नहीं था, वहाँ पे अंडरकवर पुलिस वाला था जो मैडम सर के कहने पे ये सब कर रहा था। ये क्या चल रहा है, ऐसे काहे करेंगे मैडम सर? हमारा ब्रिजेश, मैडम सर का ब्रिजेश, इन दोनों के बीच में क्या ब्रिज है? आप सब लोग हमको ऐसे कहां देख रहे हैं? हमको क्या पता मैडम सर ऐसा क्यों की? डीएसपी सर को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, पूरा डिपार्टमेंट मैडम सर को ढूंढ रहा है, पूरा डिपार्टमेंट। मगर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही, मैडम सर को कोई क्यों किडनैप करेगा? आप हमारे साथ चल रही हैं गोमती नगर के उस गोविंद फैक्ट्री में, वहाँ पर हमें ब्रिजेश नाम का एक आदमी मिलेगा जिसके पास चिंगारी गैंग के खिलाफ पुख्ता सबूत है। हम जानते हैं कौन है इसके पीछे। कौन? अरे कहाँ जा रही आप, हमें तो बता, कौन हो सकता है? बोल मेरे वजीर, क्या खबर लाई है? 10 मिनट है तुम्हारे पास, इस 10 मिनट में तुम दो काम कर सकती हो। पहला, अपने सारे इष्ट देवता का स्मरण कर लो और अपनी आत्मा की मोक्ष की प्रार्थना कर लो, और दूसरा, हमको ये बताकर कि मैडम सर कहाँ है, तुम अपने अगले जन्म के लिए ऊपर वाला का शुक्रिया अदा कर सकती हो। अब बोलो तुम्हें क्या करना है। देख दोस्ती का हाथ बढ़ा है ना, इसे तेरी बात सुन ली मैंने, दोस्ती में 100 खून माफ,
नहीं तो अब तक शिवानी के साथ इस टोन में किसी ने बात की होती ना तो उसको 2 गज जमीन के नीचे 100 टुकड़े करके गाड़ दिया होता। दोस्ती का हाथ बढ़ाया मैंने, डिसरिस्पेक्ट करने का लाइसेंस भी दिया है। सीधे सीधे बता क्या हुआ? ज्यादा अनजान बनने का जरूरत नहीं है शिवानी, तुमको अच्छे से पता हम क्या बात कर रहे हैं। हम गोमती नगर फैक्ट्री जा रहे थे ब्रिजेश से मिलने, जिसके पास चिंगारी गैंग के खिलाफ सबूत था। ये तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता था। ना तो तुमने सबूत को गायब किया, तुमने मैडम सर को भी गायब कर दिया। बहुत अच्छा फायदा उठाया ना तुमने इस बात का। अब सच बता रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर अंदर अगर मैडम सर सही सलामत थाना में नहीं पहुंचेंगी ना, तो मैया कसम बता रहे हैं कि तुम्हारे रंगरेज गली को जला के राख ना कर दिया ना, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। क्या हुआ शिवानी, सब ठीक तो है ना बेटा? भाई वो हसीना मलिक को किसी ने उठा लिया है और करिश्मा सिंह को लगता है कि ये हमारा काम है। अरे अब तू कहाँ जा रही है? ताई उसको ढूंढने, खतरे में है वो। अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी चाल है। अरे जीजी पागल मत बन, पुलिस वाली गायब हुई है, तने के लगता है कि अभी तक सारा विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा होगा। अरे अभी तक तो उन्होंने सारे शहर की जमीन खोद मारी होगी हसीना मलिक को ढूंढने के लिए। तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे ढूंढ लेंगे वो लोग। अगर हसीना मलिक ने भी यही सोचा होता ना, तो आज तेरी जीजी तेरे सामने जिंदा नहीं खड़ी होती बिन्नी। ये जिंदगी उसकी कर्जदार है, उसने तो जमीन आसमान एक कर दी थी बिन्नी मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। और आज जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हट जाऊं? और वैसे भी हसीना मलिक जैसी पुलिस ऑफिसर को इस समाज की बहुत जरूरत है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, हम भी चलते हैं तेरे साथ। नहीं ताई, अरे वो करिश्मा सिंह के सिर पर खून सवार है फिलहाल, वो निकली है यहाँ के लिए हसीना मलिक को ढूंढने। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तू यहीं पर रुक और यहाँ की चीजें कंट्रोल में रख, मैं आती हूँ। अब जीजी, या अल्लाह हसीना की हिफाजत कर। ये रास्ता जरूर सेंट्रल सिस्टम से जुड़ता होगा, हर जगह इस तरह के वेंट बने होते हैं, हमें इसे खोलना होगा। कर रही है? क्या कर
रही है तू? तुम्हारे वक्त के साथ ने हमारे संयम ने भी जवाब दे दिया है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना चिथरा देंगे, यही बता रहे हैं तुमको। छोड़ मेरे को करिश्मा सिंह। क्या आवाजें आ रही बारिश? क्या हुआ है ताई? वो शिवानी ताई को अपने साथ जबरदस्ती ले गई। कौन? कौन ले गया जीजी को? वो करिश्मा सिंह। क्या? ये तुम लोग वहाँ पे छक मार रहे थे, ऐसे कैसे लेके गई वो जीजी को? क्या करते, सब पलक झपकते ही हो गया। और उसने ताई के सर पे बंदूक भी तो लगा रखी थी, हम क्या करते, ताई की जिंदगी खतरे में कैसे डाल सकते थे? घूड़ मगज, अभी भी तो वो खतरे में हुई ना। मैं ना छोड़ूंगी उस करिश्मा सिंह को, चीर के दो ना कर दिया ना उसे तो मरा नाम भी बिंदी नहीं। हथियार निकाल सारे अपने। रुकियो बिंदी, करिश्मा सिंह ने शिवानी को नहीं उठाया है, पूरी चिंगारी गैंग के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है उसने। अब समय आ गया है बिंदी पुलिस वालों को चिंगारी गैंग की ताकत दिखाने का। खबर फैला दो पूरे शहर में, चिंगारी गैंग से जुड़ा हर शख्स जिसके पास जो हथियार है देके बस महिला थाने पहुंच जाए, जला के राख कर देंगे आज उस थाने को। चिंगारी उन्होंने लगाई है, धमाका हम उन्हें सुनाएंगे। बैठिए बैठिए, यहाँ पर बैठिए। आप ही कह रहे थे ना आपको कमजोरी हो गया है, आपको चक्कर आ रहा है, ढेढ़ा खा के गिर जाइएगा, आपका बीपी नाप देते। बैठिए बैठिए बैठिए, हो गया बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। चीता भाई ये क्या हो रहा है? अरे हाँ हाँ, उम्र भी तो हो ही गई इनकी। अब चुप करो ना, एक तो हमारी बहू फोन भी नहीं उठा रही है। तो कब उठाती हैं आपका फोन, ऐसे कब तक झेलेंगी, घर से निकाल क्यों नहीं देती आप उनको? अब चुप करो ना, पता नहीं कहाँ चली गई। 270 जान लेकर मानेगी ये लड़की? 340 अब फोन उठाइए ना। 400 बस रे चुन्ना भाई, MBBS बस ना, 400 किसका बीपी होता है 400 बोल रहा है तुम? हाँ चीता, मैं उधर देख के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, फोन पे। ये देख, हाँ मैं सामने वाले को रेट बता रहा हूँ। रेट क्या बिकता है तुम्हारे दुकान का जो रेट बता रहे हो तुम उसको? जहरीली चाय। हाँ तो ऐसे चो नाश दिया। तो गुंडो क्या गैंग, मैं ओनली वन सिंगल आता माजी सटकली। ये चिता भाई, इसका कुछ करते क्यों नहीं? हाँ। क्यों नहीं इसको जंगल में छोड़ाते चाहे सर्कस में? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, मैडम सर हमारे लिए भगवान है, उनके लिए मैं इसकी जान भी दे सकता हूँ और इसकी जान ले भी सकता हूँ, बस वो कभी ना मेरे सामने आ जाए जिसने मैडम सर को अगवा किया है, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। वो आ भी गया तो तुम कर क्या लोगे? झिंझोड़ के रख दूंगा उसको। मुझे चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, फिल्म गैंग का सिंगल घुस गया, चीटिंग कर रहा है। गुंडों क्या गैंग्स, मैं ओनली वन सिंगल। रुक करो सब लोग, एक तो फोन नहीं लग रहा, ऊपर से तुम लोगों की बकैती चल रही है। करिश्मा सिंह छोड़ दे मुझे, तू नहीं जानती कि तू क्या करी है। मैंने नहीं हसीना मलिक को गायब किया है, तू नहीं जानती तू कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही है। छोड़ मुझे।
एक मिनट क्या है ये? हाँ, किसे उठा कर लेकर आई? आप पता है ये शिवानी है, शिवानी ताई, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। हाँ, ए, इसके समर्थक ना हमारे थाने को जलाकर राख कर देंगे। और मैडम सर का क्या है, कुछ पता चला? इसी ने ही गायब किया मैडम सर को, यही है सारे फसाद का जड़। और अब यही हमको बताएगी किसने मैडम सर को कहाँ रखा है। कहाँ है मैडम सर? तेरा दिमाग खराब हो गया करिश्मा सिंह, गुस्से से ना तू पागल हो गई है। अरे थोड़ा तो अकल से काम ले। एक ऐसे एसएचओ को गायब करके पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से दुश्मनी मोल लूंगी, क्यों करूंगी मैं ऐसा? अपने आप को और अपनी चिंगारी गैंग को बचाने के लिए करोगी तुम ऐसा? जो मर्डर तुम्हारी चिंगारी गैंग ने किया है ना, उसका सबूत ब्रिजेश हमें देने वाला था, जो सिर्फ तुम्हें पता था कि हम और मैडम सर उस फैक्ट्री में जा रहे थे। अगर वो सबूत मैडम सर के हाथ लग जाता तो तुम्हारा पूरा चिंगारी गैंग ऐसे चुटकियों में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता। इसलिए तुमने वो सबूत मिटाया और मैडम सर को भी गायब किया। अरे तू समझती क्यों नहीं अकल की दुश्मन, ऐसा कोई सबूत नहीं देने वाला था वो आदमी चिंगारी गैंग के खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई मर्डर ही नहीं हुआ है। ये तो बस उसकी एक चाल थी कि तेरे को और हसीना मलिक को वहां पर बुलाएगा और हसीना मलिक को गायब कर देगा। देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे यहाँ से जाने दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। और बात अगर हद से ज्यादा बिगड़ गई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मैं तेरे से वादा करती हूँ करिश्मा सिंह कि 24 घंटे के अंदर चाहे मुझे जमीन खोदनी पड़े या आसमान चीरना पड़े, मैं हसीना मलिक को तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगी। शिवानी की जबान वही तो खुलवानी है हमको, और हम खुलवा कर रहेंगे। मैडम सर का पता तुमसे जानकर रहेंगे। प्रॉब्लम हमारी फिटिंग का है, हमारा वायरिंग ही खराब है। हमको ये बड़ा बड़ा जज्बाती बात समझ में आज तक आया ही नहीं, शायद इसलिए हमारी मैडम सर से कभी पटी नहीं है। हमको ना सीधा सीधा बात समझ में आता है, जो सीधा सीधा दिखाई देता है, जो अभी दिखाई दे रहा है कि तुम ही हो जो जानती हो कि मैडम सर कहाँ है। इसलिए शराफत से बता दो शिवानी कि मैडम सर कहाँ है, वरना वो हाल करेंगे मैया कसम कि जब भी मुंह खोलोगी एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे ना देखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। करिश्मा सिंह मेरी बात सुन, देख हसीना मलिक को हम दोनों को ही बचाना है। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे जानती है करिश्मा सिंह आपने क्या किया? हाँ? अरे आपने बिना किसी कानूनी आधार, बिना एफआईआर के आपने शिवानी ताई को गिरफ्तार कर लिया। हम सब जानते हैं, आपने जानती है आपने कितना खतरनाक काम किया, क्या हो सकता है शहर में। माफ कीजिएगा सर, पर हम वही कर रहे हैं जो हमें इस वक्त करना चाहिए। जहाँ से मैडम सर गायब हुई है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ शिवानी को पता था, और ये पूरा शहर जानता है कि मैडम सर और शिवानी का कितना बड़ा दुश्मनी है। मैडम सर चिंगारी गैंग के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, और शिवानी को वो कांटा हटाना था और उसने वही किया, उसने मैडम सर को छुपाया है। सर हम पता लगा कर रहेंगे कि मैडम सर कहाँ है। हम सब जानते हैं। अरे करिश्मा सिंह क्या कर रही है आप जानती है? अरे हसीना मलिक की चिंता हमें भी है, हसीना मलिक की तलाश व्यापक तौर पर की जा रही है। अरे हम पुलिस वाले हैं, हम इस तरह से भावनाओं में बहकर काम करने लगे ना तो चल चुका सुरक्षा तंत्र। आप जानती है करिश्मा सिंह हो क्या रहा है आपके शहर में? चिंगारी गैंग के समर्थक हथियारों से लैस होकर पूरे शहर में तबाही बचाने की तैयारी कर रहे हैं, आपके थाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने शिवानी ताई को छोड़ा नहीं ना तो पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं अगले से काम लीजिए और शिवानी ताई को छोड़ दीजिए, हम सब जानते हैं। माफ कीजिएगा सर, आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके लिए आप हमें जो सजा देंगे हमें स्वीकार है। लेकिन इस वक्त हमारी वर्दी ये थाना हमारे हाथ से चला जाएगा हमें बिल्कुल परवाह नहीं। शिवानी को हमें बताना ही होगा कि मैडम सर जहाँ कहीं भी है एकदम सुरक्षित है, जब तक वो नहीं बताएगी वो नहीं जाएगी। जय हिंद सर। क्या हुआ? अपने अपने हथियार संभालो, शिवानी के समर्थकों की हथियार बंद भीड़ियां आ रही है शिवानी को लेने, और हमें उन्हें रोकना होगा और ये बात साबित करना होगा कि हमारे वर्दी का स्वाभिमान किसी भी भीड़ के अंधे उन्माद से बहुत बड़ा है।
जान जाए तो जाए, लेकिन वर्दी का शान ना जाए। ये जंग है और ये जंग हम सबको जीतना होगा।